और सीधे आपको लाइव ले चलेंगे, सुनवाते हैं आपको क्या कुछ राहुल गांधी लॉकडाउन को लेकर कह रहे हैं। That a injection of capital and injection of money to small and medium businesses is required. It will be fatal if we do not do it. An injection of money to the poorest 50% of India is required. It will be fatal if we do not do it. So, yes, there is an unemployment problem, but that unemployment problem has now been compounded massively by the current crisis. And no, I do not think it is a choice between healthcare and economics. I think we are intelligent enough to work out a solution that looks after both. Thank you, sir. Next question is from Sanjay Mishra ji from Dainik Jagran. Sanjay ji, you can come in, please. Just one point. If I'm being asked the question in Hindi, I'll answer in Hindi. If it's a question in English, I'll answer in question in English. Which is fine, sir. Sanjay ji, puchhe. Namaskar, meri awaaz aa rahi hai aapko? Haan, awaaz aa rahi hai, magar chehra nahi. Haan, aa gaya. राहुल जी, एक और बड़ा सीरियस चैलेंज जो है वो देश फेस कर रहा है। भारत एक तरफ कोविड 19 से लड़ रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर भी देखा तो बहुत तनाव की स्थिति है। लद्दाख में चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही है और एक रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा सैनिक जो है वो भारतीय भूभाग पे आके डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी हमारा सीमा विवाद, एक नया जो है वो विवाद शुरू हो गया है। तो बाहरी सीमा के मोर्चे पे भी भारत एक बड़े सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार की रणनीति यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के कटघरे में है? देखिए, जो बॉर्डर इशू है इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी फ्रेंकली किसी को नहीं है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है और वो देश को नहीं मालूम। जी सर, धन्यवाद। हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ। इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जी सर, जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, मुझे इस पर टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक फिर आपका क्वेश्चन दे सकूंगा। नहीं, सॉरी, यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न, नॉट लाइक दिस। कैन आदिश रावल फ्रॉम एबीपी कम इन प्लीज, एंड प्लीज बी ब्रीफ विद योर क्वेश्चन। राहुल जी, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का, उसके बाद 12 फेब को आपने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था और उसके बाद आपने कई बार ये भी कहा कि आर्थिक महामारी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 24 मार्च को 54 डेज के बाद लॉकडाउन लगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है टूवर्ड्स अपोजिशन, उसको क्या सरकार सीरियसली नहीं लेती है? देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं, मैंने अपनी पोजिशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है और आज भी मैं कह रहा हूं, और फरवरी जो मैं जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया,
और जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है, ये तो पहला चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेयर करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है, उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है, हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है, हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है।